हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एआई टूल्स में जिसको यूज करके आप अपने आप को थोड़ा इनहेंस कर सकते हो, एक लेवल या चार लेवल अप ऊपर कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे इस वीडियो में बात करूंगा, और इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे एआई के बारे में मैं बताऊंगा जो वर्थ इट है यूज करना। ऐसा नहीं कि लाइक पेड है और आपको पे करना पड़ेगा तभी आप यूज करो। फ्री के टूल्स जो एक्चुअली वर्थ इट है और जो रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो आप एज अ इंस्पिरेशन लेने के लिए, या फिर अपने वॉइस को स्मूथ करने के लिए, या कोई वीडियो बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरे टॉपिक में सबसे पहला है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक बार, जिसमें एनवीडिया कैनवा, ये मैंने बताया था इसमें कि आप खुद का SDRI बना सकते हो। सो बेसिकली आपने खुद का SDRI बनाने वाला वीडियो मैंने दिखा ही होगा कि मैंने कैसे खुद का ही SDRI बनाया था। जस्ट सिंपल सा वो जो हम लोग जब बच्चे थे तो पेंट किसी भी तरह से कर देते हैं, हमें खुद पता नहीं होता था पेंट कर रहे कैसे कर रहे हैं, बट पेंट कर देते थे अपने इमेजिनेशन से कुछ भी। तो वैसे ही अपने इमेजिनेशन से आप कोई भी चीज पे अपना रॉक्स चूज करो एंड देन जस्ट पेंट करना शुरू करो, तो वो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल रॉक क्रिएट कर देता है अकॉर्डिंग टू सनलाइट कैसा रिफ्लेक्ट होगा उस पर, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, कैसा क्रिएट होगा, एंड पूरा आपका वो HDRI आपको बना के दे देगा। तो आपको जैसे आप कोई 3D काम है या आप वीडियो एडिटिंग या आफ्टर इफेक्ट्स पे आपको यूज करना है उस HDRI को, तो आप अपने मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हो। लाइक एलिमेंट 3D में आपको HDRI चाहिए, या फिर किसी भी और अदर वेबसाइट में ब्लेंडर में आया है किसी में भी HDRI चाहिए, और जो आपको देते हैं लाइक फ्री में जो HDRI मिलता है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगता है कि नहीं कुछ और अच्छा होना चाहिए था HDRI में, और आप उसके लिए पे भी नहीं करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये पर से ये तो फ्री है, मतलब इतना अनबिलीवेबल चीज, लाइक मतलब ऐसा पॉसिबल होगा कि लाइक ऐसा चीज फ्री में मिलेगा आपको, ये मैं सोचा नहीं था। सो एक तो ये ठीक है। अब मेरे लिस्ट में दूसरी है जो है वॉइस क्लीन करने वाली AI, ठीक है। वॉइस क्लीन करने वाली AI में बेसिकली मैं बात करूंगा, इसमें तीन है ठीक है, बेसिकली तीन है जो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इनमें भी तीन में भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया, और मैं बताऊंगा कि क्या है इसमें, मतलब क्या डिफिकल्टी है, क्या इसमें प्रॉब्लम एंड प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। सो पहला जो है मेरा क्लीन वॉइस, वॉइस जो आता है लाइक बीच में जो पीछे में हमारा साउंड बैकग्राउंड साउंड आता है, जैसे कहीं पे किसी के घर में कुकिंग हो रहा है या सीटी बज रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है घर में, आप मीटिंग में हो घर में आप किसी कोई बुला लेता है कि लाइक आप आओ का काम करना है घर में, तो वैसा साउंड ना आए उसके लिए आप यूज कर सकते हो अडोबी का एक वॉइस क्लीनिंग है। मैं आपको वेबसाइट का यहाँ पे नीचे दिखा दूंगा कौन सी वेबसाइट है, और नीचे लिंक में लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। I'm in a conference room with the window open. And it's pretty echoey in here too, not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too, not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone. As if I recorded this in a professional studio. So ये है Adobe का enhance speech from audio. So basically करता क्या है, ये आपके पीछे में जो आपका जो foreground voice है बस उसी को detect करता है। वैसे analyze तो सारे background के details को भी analyze करता है, या फिर कोई आपको पीछे से बुला रहा है उसको भी analyze कर लेगा, but basically आपका जो foreground sound है जो आप माइक पे डायरेक्टली बोल रहे उस साउंड को बेसिकली ये हाईलाइट करता है, एंड जो बाकी के नॉइजेस जैसे किसी में ग्र करके साउंड आता है या कुछ भी किसी ने बुला लिया या कुछ आप मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप समझते हो क्योंकि आपने वर्क फ्रॉम होम कर रखा है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जानते हो किस तरह का पावर होता है, और आप नहीं चाहते हो कि वो आप सामने मीटिंग में हो और आपके कोई बॉस या
आपके टीचर्स को पता चले कि नए पीछे से क्या हो रहा है, सो आप उसके लिए यूज कर सकते हो ये अडोबी का। और मैं पहले बता दूं, इसमें जितने भी एप्स या वेबसाइट्स में बता रहा हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं, ठीक है? तो आप अडोबी का इनहेंस ऑडियो वाला वेबसाइट आप यूज कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड का जो वॉइस होता है उसको ये सप्रेस कर देता है, एंड जो फोरग्राउंड का वॉइस होता है उसको वो एनालाइज रखता है, देखता है कि लाइक ये वॉइस कंटिन्यूअस चल रहा है, इसको वो हाईलाइट पे रखेगा, और जो बीच बीच में कट कट के साउंड आता है उसको वो सप्रेस कर देगा, और वो डिटेक्ट कर लेता है कौन सा आवाज कहाँ कटा है, या फिर अचानक से कौन सा वॉइस आया था उसको ये कट कर देगा, एंड जो फोरग्राउंड पे जो लगातार वॉइस चल रहा है उसको ये बना के रखे रहता है, ठीक है? अब आते हैं वॉइस वाले में ही सेकेंड, ये क्रिस्प। क्रिस्प का भी काम बेसिकली यही है कि लाइक क्रिस्प पे भी आप सेम काम कर सकते, लाइक अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो गए या फिर आपका कोई अकाउंट होगा डिस्कॉर्ड पे, तो आपको पता होगा कि उस पे आप जब वॉइस चैट ज्वाइन करते हो या फिर आप सेटिंग्स पे वॉइस एंड वीडियो वाला जो सेटिंग होता है उस पे गए होगे, तो कहीं पे तो लिखा हुआ आया होगा क्रिस्प करके। क्रिस्प है क्या? आपने कभी कुछ तो ऐसा कुछ सोचा हो कि क्रिस्प है क्या या क्रिस्प क्यों लिखा हुआ है? क्रिस्प बेसिकली वेबसाइट है जो नॉइस सप्रेशन का बहुत स्टार्टिंग से, जब वो स्टार्ट हुआ था तब से नॉइस सप्रेसिंग का चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि लाइक पीछे जो बैकग्राउंड नॉइजेस आता है वो बैकग्राउंड नॉइजेस ज्यादा ना आए, और आपको आपका जो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स टॉक है वो अनइंटरप्टेड रहे, लाइक ऐसा ना हो कि कोई आपको कुछ बोलना चाहता है बट अचानक से पीछे आपके किस कुछ ऐसा साउंड आता है तो वो आदमी बोलना भूल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और उसके घर में मान के चलते हैं कि उसके घर पे कुछ काम चल रहा है, ठीक है? आप उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते हो बट अचानक से उसके घर से खच खच खिसने पर कुछ आवाज आते रहता है, एंड आप उसको भूल जाते हो आप क्या बोल रहे थे, एंड आप भूल जाते हो। सो ये आप कर सकते हो यूज, सो आपके पीछे के बैकग्राउंड हट जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है? और एक और है थर्ड, जो कि है cleanvoice.ai, ठीक है? तो cleanvoice.ai मेरे को इन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है? तो बेसिकली मैं इसमें क्या अच्छा लगा ये भी बताऊंगा, लाइक पहले तो मैं इसके फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली क्लीन वॉइस एआई जो है, सो एक्चुअली आप जब अकाउंट बनाते हो तो शुरुआत में आपसे ये दो ऑप्शन बोलते हैं, लाइक क्लीन एवरीथिंग और कस्टम क्लीन। तो क्लीन एवरीथिंग में मतलब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना शुरू कर देगा क्या क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है, जैसे वीडियो आप जब रिकॉर्ड करते हो किसी से बात करते हो तो ऐसा करके साउंड आता है, ठीक है? उन साउंड्स पे डिटेक्ट करेगा और ये हटा देता है, ठीक है? और जैसे आपने लॉन्ग इंटरवल लिया कुछ बोला आपने यहाँ पे एंड देन ये लॉन्ग इंटरवल लिया एंड देन आगे बोलना चालू किया, ये उस लॉन्ग इंटरवल को भी हटा देगा, फिर बैकग्राउंड नॉइजेस को हटा देगा और बहुत सारे चीजों को हटा देगा, जैसे कि आपने कुछ एरर गलती बोल दिया, लाइक मतलब जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया, तो उन चीजों को भी ये हटा देता है। लाइक बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप हटा सकते हो, ठीक है? सो ये खासकर वीडियो एडिटर्स को ज्यादा सूट करेगा ये टूल, क्योंकि वीडियो एडिटर्स से क्या है और बाकी नॉर्मल यूज के लिए भी आपके लिए है। लाइक मैंने जो अडोबे का बताया था उससे अच्छा आप क्लीन वॉइस एआई अगर यूज करो, मतलब क्लीन वॉइस में है कि जस्ट आपका वो नॉइस को बैकग्राउंड नॉइस को सप्रेस करता है फोरग्राउंड को रहने देता है, इसमें भी सेम है बैकग्राउंड को सप्रेस करता है फोरग्राउंड को रहने देता है, बट अडोबे और क्लीन वॉइस एआई दोनों में जब मैंने फर्क देखा ना, मैं कुछ टाइम पहले यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड मैंने जब डिफरेंस देखा, एक वीडियो मैंने अडोबे का जो एआई है उससे एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पूरा, एंड दूसरे उसके जस्ट दूसरा वाला वीडियो जो कि यूट्यूब पे अभी भी है वो मैंने क्लीन वॉइस एआई से हटाया विथ कस्टम बैकग्राउंड रिमूवल। कस्टम मोड में जाते मैंने जस्ट बैकग्राउंड रिमूव किया, मतलब बैकग्राउंड में जो साउंड है बस उसे रिमूव किया, ठीक है? तो दोनों में जब फर्क मैंने देखा ना, तो पहला वाला जो अडोबी का था ना वो मेरा वॉइस को ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं बल्कि बना दे रहा था, ठीक है? जैसे मेरा नॉर्मल वॉइस है ये, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल वॉइस को वो थोड़ा बल्कि बना दे रहा है, मेरा वॉइस मेरे को बल्कि अच्छा नहीं लगता है, मेरा जो नेचुरल वॉइस है या मेरा जैसा भी नेचुरल लुक है वो मेरे को ज्यादा पसंद लगता है, ठीक है? तो अब
इतना बल्कि लाइक मेरे को फील नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे बार भी सेम काम किया कि लाइक देखते हैं, हो सकता है पिछले बार में हो सकता है गलती हुआ हो, लाइक AI गलती भी तो करता है, हम ह्यूमन गलती कर सकते तो AI क्यों नहीं कर सकता है। तो हो सकता है इस बार करो तो ठीक हो जाए, बट हर बार मेरे को सेम रिजल्ट मिल रहा था। मेरा आवाज को वो बल्कि कर दे रहा था, हाँ वो बैकग्राउंड को तो हटा दे रहा था बट मेरा आवाज वो बल्कि कर दे रहा था। बट इंस्टेड ऑफ दैट जब मैंने थर्ड वीडियो शूट किया, थर्ड फोर्थ ऐसे करके वीडियो शूट किया क्लीन वॉइस AI टूल यूज वेबसाइट पे जाके, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरा जो वॉइस है उसको तो वो रखा ही है, मेरा वॉइस को कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो मेरे वॉइस को रखा है, बस मेरे पीछे जो इतने बैकग्राउंड वॉइस बहुत सारे आ रहे थे उसने उसे हटाया, मेरे वॉइस के साथ कोई छेड़छाड़ उसने नहीं किया है, जो मैं जिस टोन में बोलता हूँ जिस जो फ्लो है मेरा, तो इससे उसने रखा है ना, तो इसके पिच के साथ खेला है ना बेस के साथ, जो भी इसमें है सब वैसे ही है, बाकी बैकग्राउंड को इसने रिमूव कर दिया, तो ये मेरे को बेस्ट लगा। तो मैं जब भी मेरे घर में लाइक ऐसा कुछ होता है कि लाइक बैकग्राउंड रिमूव करेगा, अभी जैसे मान के चलते हो सकता हो मेरे घर के पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, तो मेरे को अगर रिमूव करना था तो मैं क्लीन वॉइस AI ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ अडोबे। नो मैं कुछ ऐसा बुरा नहीं बोल रहा अडोबे के लिए, पर उन्हें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए अपने इस AI टूल को, ये थोड़ा आपके वॉइस को थोड़ा डार्क कर देता है। बट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि उनके वॉइस को वो नेचुरल रख रहा था, पता नहीं वो सेटिंग क्या है, मतलब क्या वो बाद में अलग से सेटिंग करते हैं ताकि वो नेचुरल वॉइस पे आ सके, या फिर मतलब वो अडोबी करके देता है, ये तो मेरे को नहीं पता। बट जो मेरे को इजी टू यूज लगा कि लाइक मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपना ऑडियो को क्लीन वॉइस AI वेबसाइट पे, एंड देन जस्ट उसने वॉइस को उसने मेरे वॉइस को रखा, बैकग्राउंड को हटा दिया, सिंपल। मेरे को यही पसंद है कि मैं दे रहा हूँ आपको काम करने, आप मेरे को काम करके दे दे रहे हो एग्जैक्टली वैसे कुछ ऐसा चाहिए, छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो आप मेरे वॉइस के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ, एंड देन आप मेरे को काम करके दे रहे हो, मेरे को ज्यादा पसंद है। अब ये बात मैं अगर 100% गारंटी देकर सर बोल सकता हूँ, ऐसे मेरे से बहुत लोग होंगे जिनका सेम थॉट हो कि नहीं मैं आपको काम करने दे रहा हूँ, आप ये काम करो मेरे वॉइस के साथ, कोई छेड़छाड़ मत करो, मेरा वॉइस जैसा है रहने दो, जस्ट आपका जो मेन फीचर है आप उस फीचर पर फोकस करो, मेरे वॉइस को एनहेंस मत करो बस। तो मेरे को ऐसे ही चीजें पसंद है, लाइक इस मामले में मैं थोड़ा अडोब को बोलूंगा कि उन्हें थोड़ा अपने AI पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, कि लाइक उनका जो फोरग्राउंड वाला से मतलब अगर फोरग्राउंड का भी अगर ये सेटिंग है कि उसको आप नॉर्मल में चेंज कर सकते हो, तो उसे बाय डिफॉल्ट कर दो, या फिर मतलब उसको ऐसा कर दो कि लाइक कोई बंदा अपना वॉइस डाला उस पर एंड वो ऑटोमेटिकली उस बंदे का वॉइस वैसे ही रखा रहेगा, बस बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो ये अडोब को मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है अपने AI पे। तो आप वॉइस में यूज कर सकते हो क्लीन वॉइस AI, मैं इसे वेबसाइट बता दूंगा एंड सबके लिंक्स नीचे में डिस्क्रिप्शंस में पड़े होंगे, आप देख सकते हो। तीसरे पार्ट इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन के लिए आपके पास बहुत सारी लाइक फरमा पड़ी होगी यूट्यूब पे वीडियोस की, लाइक ये इमेज जनरेशन AI, ये इमेज जनरेशन AI सही है, बट इनमें से कौन सा सही है, लाइक इतने सारे तो हैं आप इनमें से चूज कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात इनमें से सबसे लार्जेस्ट है मिड जर्नी, मत यूज करना, क्योंकि सिंपल सा बात है वो पेड है। ठीक है, पेड चीजें मत यूज करना, जस्ट फ्री की चीजें यूज करो, और आप स्टार्टिंग पर्पस पे लाइक एकदम स्टार्टिंग एकदम यहाँ जीरो लेवल पे, तो एकदम जितने भी फ्री के AI टूल्स हैं आप जिस जिस तरीके से उसे एक्सपेंड करके करके आप यूज कर सकते हो आप करो। ठीक है, तो लियोनार्डो डॉट AI एंड स्टेबल डिफ्यूजन, ये दो फ्री हैं। ठीक है, कैनियन भी एक फ्री है, मतलब मैं इनमें मैं डिफरेंस करके बताऊंगा बेसिकली है क्या। कैनियन स्टेबल डिफ्यूजन AI, लियोनार्डो डॉट AI, ठीक है, ये तीन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ बेसिकली। और एक ज्यादा ज्यादा चल गया मैं तो बिंग, बिंग का जो इमेज AI है जनरेटर वो भी बहुत अच्छा है, लाइक मैंने उसे पर्सनली यूज किया और लाइक वो मिड जर्नी से थोड़ा प्लस वन टॉप पे आता है मिड जर्नी के बाद। सो बिंग भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो लाइक मैं बिंग ही सर्च मतलब गूगल सर्च की जगह मैं बिंग सर्च यूज करता हूँ, क्योंकि लाइक उसमें एक स्कोर सिस्टम है कि आप उस पर जितना ज्यादा सर्च करोगे आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, और उस पॉइंट्स को आप AI टूल्स के लिए यूज कर सकते हो एज अ टोकन,
जैसे कि मेरे पास समथिंग 1,000 समथिंग कुछ टोकन्स थे, तो मेरे को उतना अमाउंट का कुछ, मेरे को जब मैं इमेज जनरेशन के लिए गया तो वहां पे मेरे को उतना अमाउंट का कुछ टोकन्स मिला कि लाइक आप इतने टोकन्स आप यूज कर सकते हो पूरे दिन, तो दिन के हिसाब से वो दे रहे थे टोकन्स। तो इमेज इमेज एडिटर के लिए आप बिंग AI भी यूज कर सकते हो, इमेज उठाना है आपको ऐसे, वो मैं इमेज के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हर आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और हर आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट डिजर्व नहीं कर सकता, लाइक या तो बजट नहीं होते या फिर ऐसा बहुत सारे सीन होते कि आपको कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है, आप चाहते हो कि आप बहुत सारे, मतलब हर आर्टिस्ट में मैं कह सकता हूँ, हर आर्टिस्ट में एक वीकनेस होता है कि वो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ा सा कम हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता अब हम किस पे काम करें, अब हम किस पे काम करें। सो ऐसे टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट आर्ट, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी के भी कॉन्सेप्ट आर्ट कर सकते हो, बट उसमें एक दिक्कत होता है कि लाइक कॉपीराइट का वायलेशन आ जाता है, लाइक आपने इनका आर्ट उठाया है, अब आपको आपका आर्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाएगा, तो ऐसा बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। तो आप इमेज जनरेशन टूल को लाइक स्टेबल डिफ्यूजन, लियोनार्डो डॉट AI, फिर आपका कैनियन डॉट AI, इन सारे टूल्स को आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए। फॉर लाइक सपोज मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, और मेरे को VFX पसंद है, अब VFX भी तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना दूंगा, लाइक मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं कि लाइक करना क्या है, और मैं कुछ भी बना दे रहा हूँ, तो वैसा भी बनाने का को कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली हर आर्टिस्ट को का काम पहले क्या होता है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट आर्ट कलेक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट कलेक्ट करते हैं, उसमें भी उसमें मैं बोलूंगा कि आप लियोनार्डो डॉट AI को यूज करो एज अ कॉन्सेप्ट आर्ट ट्राई करने के लिए, लियोनार्डो डॉट AI एंड स्टेबल डिफ्यूजन, ये दो बेस्ट है, कैनियन AI पे आप मत जाओ, बट हाँ लियोनार्डो डॉट AI एंड स्टेबल डिफ्यूजन एंड बिंग प्लस बिंग, सॉरी बिंग को मैं भूल गया था, बिंग को भी याद रखना, क्योंकि बिंग बिंग इमेज जनरेशन वो आपको देता है, आप अगर आप उस पर सर्च करना शुरू करोगे, लाइक आप गूगल की तरफ सर्च करना शुरू करोगे, गूगल को छोड़ के आप अगर बिंग सर्च इंजन यूज करते हो तो वो डिटेक्ट करता है, आप जितना बिंग सर्च इंजन यूज करोगे उतना आपको टोकन्स वो देता जाएगा, उस बेसिस पे वो काम करता है, उस टोकन्स को आप AI टूल्स के थ्रू आप यूज कर सकते हो। सो ये है उसमें। तो अब इसे इन तीन चीजों को आप लाइक मेरे को अब एक एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, मैं उसे टेक्स्ट लिखूंगा, लाइक आई वांट टू क्रिएट अ डार्क बैकग्राउंड विथ हिली माउंटेन्स एट नाइट, सोल्जर कार्स, लाइक मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ इन तीनों पे, तो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होगा, नाइट सीन, नाइट फॉरेस्ट सीन इन जंगल विथ आर्मी वैंस, आर्मी कमिंग आउटसाइड ऑफ द वैन एंड अटैकिंग एन अननेचुरल क्रिएचर, ठीक है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट आर्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सारे अपना अपना खुद का इमेज जनरेट करके देंगे, और जिनका मेरे को ज्यादा अच्छा लगा उनका मैं डाउनलोड कर लूंगा, और एज अ कॉन्सेप्ट आर्ट मैं उसे यूज करूंगा अपने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, कि लाइक हाँ मेरे को कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट है मेरा, फाइनलाइज हो गया कॉन्सेप्ट आर्ट, सारे आप चूज करो, अब आप कॉन्सेप्ट आर्ट चूज करो, और लाइक इसमें से डिसाइड करो कि लाइक बैकग्राउंड में कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होगा तो 3D में आप यूज कर सकते हो पिक्सल ब्रिज, पिक्सल ब्रिज में बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो कि अपने इन्वायरमेंट बनाने, तो आप माउंटेन्स वगैरह देख सकते हो, लाइक यहाँ पे ये माउंटेन्स है, ये यहाँ पे ये, यहाँ से सन डायरेक्शन ये है या मून डायरेक्शन ये है, तो सुपर हीरो यहाँ लैंड कर रहा है कुछ ऐसा, फिर सोल्जर्स वहां सामने से खड़े हैं, तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आर्ट आपने, तो आपको रिजल्ट जैसा मिला आप उस हिसाब से अपना 3D मॉडल बना सकते हो, या फिर अगर आप VFX में हो तो ये सेम कॉन्सेप्ट को आप VFX में डाल दो, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हो लाइक सॉन्ग आर्टिस्ट, लाइक आप गाने बनाते हो, कवर क्रिएट करते हो खुद का, लाइक खुद का एल्बम आप बनाते हो, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि लाइक सॉन्ग आर्टिस्ट जो होते हैं ना, सॉन्ग वगैरह जो भी बनाते हैं, उन्हें भी कॉन्सेप्ट सही होता है, लाइक रेफरेंस सही होता है, वो भी यूज कर सकते हैं लाइक इमेज जनरेशन टूल्स को,
उनको बस मान के चलते यही सेम जो टेक्स्ट मैंने बताया था वही मान के चलते मैं म्यूजिशियन हूँ, ठीक है, सेम टेक्स्ट जो मैंने बताया था वही आपने टाइप किया, रेफरेंस आपने वही चूज किया जो सारे 3D ने यूज किया, एंड इस पे आप गाना बना सकते हो, लाइक सैडनेस वाला बना गाना बना सकते हो खुद का, या फिर डार्क टोन गाना बन सकता है, रैप बन सकता है, बस जस्ट एक पिक्चर के थ्रू। इसमें मैं हर हर आर्टिस्ट को देख रहा हूँ, लाइक हर आर्टिस्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट आर्ट अभी ना हर एक चीज को AI कवर करते जा रहा है, ठीक है, मानो ना मानो, और ये बहुत बुरी बात है, बट एक तरह से हमें भी अब इसका कोई ऑप्शन नहीं, हमें यूज करना ही पड़ेगा इसे। तो मानो ना मानो अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है अगर वो AI ले जा रहा है तो किसी और को वो फायदा भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप मान के चलो 2D आर्टिस्ट हो, ठीक है, और आपको 3D नहीं आता है, आपको 3D के ऑब्जेक्ट्स चाहिए या 3D का कुछ सीन चाहिए, तो वो आप AI से बनवा सकते हो। मान के चलो आप 3D में हो, 2D इतना नहीं पता, तो आप स्टेबल डिफ्यूजन जैसे ऐप्स या वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट आर्ट चाहिए तो, या फिर वॉलपेपर से बैकग्राउंड चाहिए तो आप एनवीडिया का कैनवा यूज कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा इमेज में, ठीक है। अब आ जाते हैं वीडियो में, ठीक है। वीडियो में तो मैं सिर्फ एक ही मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि वीडियो में अगर आपको चाहिए ना, वीडियो में आप बना सकते हो रनवे या रनवे जो भी बोलते हैं, मैं पीछे दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो रनवे है वीडियो में, ये रनवे में क्या है मतलब क्यों सब लोग इसे प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो मल्टी फंक्शनल है ये, ठीक है, हर एक चीज आपका कर सकता है। लाइक आप वीडियो बनाते हो मान के चलो, एंड आपके पास मान के चलो ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ठीक है, आप बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बनाते हो और आप चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो AI है आपको डिटेक्ट करेगा आपका फेस, आपका बॉडी डिटेक्ट करेगा कहाँ तक जा रहा है, लास्ट कितना फ्रेम तक आपका लिमिट को एक्सटेंड, ये लास्ट कौन सा फ्रेम तक हाईएस्ट आपका बॉडी का आर्म्स गया है या हेड गया है, और फिर उस हिसाब से ग्रीन कलर का आपके आपको एक ऑप्शन लेगा कि आपको बस पॉइंट करना है कि कहाँ कहाँ आपको ग्रीन ग्रीन चाहिए, तो आप उसके थ्रू आप ग्रीन ग्रीन मार्कर्स लगा सकते हो अपने बॉडी पे, मेरे को इतना पार्ट के अलावा बाकी सारा कुछ ट्रांसपेरेंट सी है, ठीक है। तो वो आपका जितना भी वीडियो में जहां जहां भी आप होंगे ना, आपको बैकग्राउंड से अलग कर देगा, ठीक है, आपको लिटरली बैकग्राउंड से अलग कर देगा। एंड मेरे बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो मैंने जितने भी अपने डबल सीन्स क्रिएट किए हैं ना उसी टूल से किए हैं, ठीक है, मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊंगा। ये जो टूल है बेसिकली आपको अलग कर सकता है बैकग्राउंड से, ठीक है, या फिर आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज आप पूरे पब्लिक एरिया में खड़े हो, ठीक है, और लाइक आप चाहते हो कि आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन रहे, ठीक है, आपको ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आपके पीछे वाले एरिया को वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा मीम, ठीक है, कोई ऐसा मीम मान के चलते हैं जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, और आप वो चाहते हो कि उसके पीछे ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड या फिर ग्रीन स्क्रीन करके आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो ताकि बाकी लोग भी यूज कर सके, तो आप वैसा भी उसे उस तरह से भी यूज कर सकते हो। मैंने उस तरह से यूज नहीं किया है, वो AI टूल आपको करके देता है। आपको इमेज मिल रही है, अब आप उसे अपने जैसे यूज करना चाहो आप उसे यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक आपको आप चाहते हो कि कोई आदमी फोरग्राउंड में खड़ा है बट उसके पीछे का सीन बहुत अच्छा है, आपको जस्ट वो सीन चाहिए, आपके पास जो बंदा है वो आप चाहते हो कि फोरग्राउंड से गायब हो जाए और जो बैकग्राउंड में जो इतना अच्छा वीडियो है या कोई पिक्चर है वो रहे, जस्ट वो आदमी गायब हो जाए, वो भी करके दे देगा आप, क्या नहीं है आप इसको। मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको कुछ, हाँ बट ये कुछ अगर फ्री आप यूज कर सकते हो तो इस पे आप बस 3 ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट तक का आप काम कर सकते हो पूरा का पूरा विदाउट एनी वाटर मार्क्स, ठीक है, इन सारे पे। सो अगर आपको यूज करना है और आपके पास बजट नहीं है तो आप बिना बजट के भी अनलिमिटेड ईमेल आईडीज बना के यूज कर सकते हो, बट कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत प्रीमियम है, जो सिर्फ अगर आप बाई कर तो तभी आपको मिलते हैं इन इन AIs में जितने के अभी मैंने नाम लिए। और अगर आपके पास बजट है जरा सा भी है, ठीक है,
थोड़ा सा भी अगर आप के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अनलिमिटेड ईमेल आईडीज बनाओ एंड आप अपना काम करो, ठीक है। बट आपके पास अगर जरा सा भी बजट है ना, तो आप इन चीजों में पैसा लगा दो। लाइक मतलब ऐसा ये मत करो कि लाइक आपके पास पैसा ही नहीं, थोड़ा सा भी पैसा है, लाइक आप चाहते हो कि लाइक बहुत वर्दी वर्दी एआई है ये, मतलब इनके और भी फीचर्स मेरे को यूज करना है, तो मैंने जितने के नाम लिए ना, इनमें से बहुत सारे तो फ्री है, बट जो बहुत सारे पेड है ना, उनको आप यूज मतलब उसको आप बाय कर ही लो, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पे ना मल्टीपर्पस, एक ही वेबसाइट पे अगर आपको मल्टीपर्पस चीजें मिल रही है ना, आप उसके बंडल को बाय कर लो, आपका वो लाइफ टाइम का हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो प्राइस भी कम है कुछ कुछ का, शायद रनवे का प्राइस कम है कि क्या, कुछ कुछ वेबसाइट्स का भी कम है, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ जाए, तो आप साल भर का करके लेना अगर लेना होगा आपको, तो ऐसा नहीं कि महीने भर करके लेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग महीने में बढ़ जाए, साल करके लोगे तो कम भी पड़ सकता है। लाइक कुछ बीच में अचानक से रेट बढ़ा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वेबसाइट्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत बाई करो। पैसे हैं तो ऐसा मत करो कि लाइक तब भी फ्री वाला यूज करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो एंड देन बाय कर लो, क्योंकि यही जमाना है और ये आगे बहुत बूम करने वाला है, ठीक है। आपको खुद भी पता नहीं है कि लाइक अभी तो आप सोच रहे हो कि बहुत मतलब छोटा है ये, क्या ही बड़ा रूप ले लेगा, बट आपको नहीं पता है ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। और अगर अगर अभी से आप इसको यूज नहीं करना शुरू करोगे ना, आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो जो फ्री करना चाहते हो आप फ्री यूज करो, बट जो आप पे करोगे तो आपको जैसा पे करोगे आपको वैसे चीजें भी मिलेंगी, उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने खुद के एआई को ट्रेन भी कर सकते हो उसमें। रनवे में एक ऑप्शन है जिसमें आपको एआई, आप अपने एआई को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिस तरह से काम करते हो, जैसे आप कोई वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपका आप कैसे कैसे वीडियो को एडिट करते हो, क्या क्या हटाते हो, क्या क्या छाट के क्या क्या ऐड करते हो, तो वो एआई आपको समझेगा, आपके ट्रिक्स को समझेगा। एंड अगर आप नहीं भी होंगे ना, तो आप अगर जस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आप ये मेरे लिए वीडियो बनाओ, कटिंग वगैरह सब तुम करो खुद से, वो आपके लिए करके रहेगा, एंड जब आप आओगे आप फिर यूट्यूब पे जस्ट अपलोड कर सकते हो। सो बहुत अच्छे चीजें हैं, यूज करना शुरू कर दो एंड ग्रो करो अपने आप को। बिजनेस ग्रो करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, करो। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।